और मुकदमों के निपटारे को लेकर के हम डिपार्टमेंट में जो मामले आ रहे हैं, जो विवाद आ रहे हैं, इसमें काफी समस्याएं आ रही हैं, काफी वक्त लगता है अपील करने के लिए और कई तरह की एक जैसी समस्याएं अलग अलग आती है। हम लिटिगेशन मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहते हैं, विवादों के निपटारा करना चाहते हैं, जिसमें In the case of an SSC is identical to a question of law which is pending in the appeal. जो SSC है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये जो SSC होगा, in the case of this SSC by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional Supreme Court or High Court में भी उसे SSC को अलग अलग करने की जरूरत नहीं होगी। टैक्सपेयर और डिपार्टमेंट के बीच में ये विवादों को कम करेगा। Taking forward our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of अनिवासी भारतीय हैं, उनको भी फायदा दिया जाएगा। Or over the counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax subject to specified conditions. सरचार्ज को सही तरीके से लागू करना, जो वैश्विक दुनिया में कई सारे ऐसे काम निविदा दिए जाते हैं जिसमें कंसोर्टियम की जरूरत पड़ती है, जिसमें कंपनियां आमतौर पर कंसोर्शियम होती हैं, जो एओपी कंपनियां होती हैं, उन्हें काफी बड़े पैमाने पर सरचार्ज देना पड़ता है, जो कई बार 37% तक होता है और ये इंडिविजुअल कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। तो जो एओपी हैं, उन्हें हम 15% के हिसाब से अब उन्हें सरचार्ज देना होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर बात की जाए, यूलिप्स और अलग की बात की जाए, तो उनको अधिकतम सरचार्ज 15% लगता है और अन्य जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 37% तक होगा। I propose to cap the surcharge on long-term capital gains arising or transfer of संपत्ति का जो हस्तांतरण किया जाएगा वो 15% के हिसाब से अब उन्हें टैक्स देना होगा और इससे लोगों को काफी फायदा होगा और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और स्टार्टअप हैं उन्हें इससे काफी फायदा होगा। और हम भारत में आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्पित हैं, उसी के हिसाब से ये कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा सेस की बात की जाए, इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो ये इसमें टैक्स और सरचार्ज दोनों होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेस की बात की जाए तो एक अतिरिक्त सरचार्ज होता है टैक्स पेयर पर, जिससे कि सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी फंडिंग हो सके। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ अदालतों ने इसे कारोबारी सेस माना है, जो कि कानून के हिसाब नहीं से नहीं है और अब किसी भी तरह का सरचार्ज और सेस किसी भी तरह का जो सेस है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर में नहीं गिना जा सकेगा।